अगली खबर में बात करते हैं कन्नौज की, जहां शिक्षा के मंदिर पर प्रधानाचार्य आशीष राजपूत रिवॉल्वर लेकर पहुंचते हैं। अध्यापकों और नन्हे बच्चों को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाते हैं, जिसके कारण अध्यापकों और मासूम बच्चों में भय का माहौल व्याप्त है। दरअसल यह मामला कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के शाहजहानपुर का है, जहां प्राथमिक विद्यालय में प्राचार्य के पद पर तैनात आशीष राजपूत किसी दबंग से कम नहीं है। वह प्रतिदिन विद्यालय रिवॉल्वर लेकर आते हैं और कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हैं। गाँव वासियों का कहना है कि प्रधानाचार्य कभी भी पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, हमेशा कमरे में बैठे आराम करते हैं। वहीं शिक्षकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानाचार्य ने उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और कहा कि यहां से चला जा, नहीं तो बचेगा नहीं। वहीं इस मामले में उच्च अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा अधिकारी से संपर्क मामले में जानकारी ली तो उन्होंने कहा अभी मामला संज्ञान में नहीं है, जानकारी होने पर आरोपी पर कार्यवाही की जाएगी। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में असलहा लेकर प्रधानाचार्य क्यों आते हैं? जिन बच्चों को वह असलहा दिखाते थे, उनके मन में समाज और शिक्षा को लेकर व शिक्षक को लेकर क्या छवि बनेगी? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जिले में ऐसा मामला सामने आया हो। इससे पहले भी जर्जर स्कूल की अध्यापिका का वीडियो वायरल हुआ था। सहायक अध्यापक पीएस शाहजहांपुर सर, हमने मेडिकल लीव लिया था, उसमें वो सैंक्शन भी हुआ था सर के द्वारा, एडीएस सर के द्वारा। और उसको जब हम आज ज्वाइन करने आए, 20 तारीख की बात है, तो उन्होंने कहा कि वो अनुपस्थित लगा दिया, उस पर लाल कलम से टेस्ट कर दिया था जी। हमने कहा सर ये क्या है, तो बोले ये अनुपस्थित है। हमने उनसे पूछा कि ये क्यों, तो बोल रहे थे कि हम अनुपस्थिति लगाएंगे। तो अधिकारी से हमने कहा, अधिकारी जब हमने करवाया अप्रूव तो भी आप अनुपस्थित लगाएंगे, तो बोल जाते हैं निकल जाओ यहाँ से। और रिवॉल्वर वहाँ रखी थी जो डेस्क है उधर ऊपर, निकल जाओ यहाँ से, नहीं सुधार देंगे तुम्हें। अभी हाथ में लिए हुए हैं, हाथापाई कोई नहीं दी गई, और बच्चों की बातें उन्होंने अभद्रता से पेश हमारे पास आई हैं। बात ये है, आज सुबह एक फोन आया है उनका, संबंधित प्रधानाध्यापक का, तो संबंधित अध्यापक का, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक मेडिकल लीव है जिस पर अनुपस्थिति दर्ज की जा रही है, जबकि हमने आपसे उपस्थिति ली है, तो उपस्थिति उनकी स्वीकृत है। और इसी विषय पर कुछ विवाद हुआ, जिसके उपरांत उस समय बाद फोन आया कि अध्यापक की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। उसको तत्काल हम सौसैया गए और सौसैया में उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी कुछ बात करने से मना कर दिया कि हम आपका आकर के बात करेंगे ऑफिस में। हमने उनको कहा कि जैसा भी जो भी बात हो, आप ऑफिस में आकर के बात करें। अभी जैसे ही वो सही होकर ऑफिस आएंगे, जैसा वो कहेंगे और उस समस्या का पूरा संज्ञान लिया जाएगा, उसके तदुपरांत कार्रवाई की जाएगी।